मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गुरुग्राम। आज हम ब्रेस्ट की एक और कॉमन कंडीशंस, जिसको हम लोग इन्वर्टेड निपल या फ्लैट निपल कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इस प्रॉब्लम के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, बट उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और डिटेल में बात करेंगे। नॉर्मली जो निपल है वो ब्रेस्ट में स्किन से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, क्योंकि ब्रेस्ट का मेन काम है बच्चे को दूध पिलाना, और उठे हुए निपल से बच्चे को सक करने में आसानी होती है। कुछ महिलाओं में ये निपल फ्लैट हो सकता है, या पैदाइशी अंदर हुआ हुआ होता है जिसको हम लोग इन्वर्टेड निपल कहते हैं, या लेटर ऑन इन लाइफ में, किसी भी एज पे लाइफ में ये निपल जो नॉर्मल था वो अंदर की ओर जाने लगता है टेम्परेरीली या परमानेंटली। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई निपल पैदाइशी अंदर है या फ्लैट है तो ये ख़तरनाक नहीं है, बट अगर रिसेंटली निपल अंदर जाने लगा है और बढ़ रहा है तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। निपल अंदर जाने के बहुत सारे कारण होते हैं। निपल के पीछे डक्ट्स होती हैं, उन डक्ट्स में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई पस पड़ जाए, या कुछ ट्यूमर्स हैं या कैंसर है, उसकी वजह से निपल अंदर जा सकता है। अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक से या समटाइम्स छोटी सी सर्जरी से वो करेक्ट किया जा सकता है। कभी कभी निपल के आसपास कोई ट्यूमर हमने निकाला है, कोई सर्जरी की है, उसकी वजह से भी निपल अंदर चला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि क्या निपल इन्वर्जन भी जेनेटिक, क्या इसका जेनेटिक से कोई संबंध है? हाँ है, कुछ लोगों में ये निपल इन्वर्जन या फ्लैट निपल फैमिलीज में रन कर सकता है कि माँ को था, बेटी को है, बहन को है, बट मेजॉरिटी में ऐसा कोई जेनेटिक रीज़न नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इसके कई सारे ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड वन होता है कि हम निपल को चुटकी से प्रेस करके बाहर निकालें तो वो काफ़ी देर तक बाहर रहता है। अगर ग्रेड टू होता है कि हम चुटकी से प्रेस करके निपल को निकालें बट जैसे ही छोड़ते हैं वो फिर अंदर चला जाता है, और ग्रेड थ्री होता है जो हम चुटकी से भी बाहर नहीं निकाल सकते, निपल अंदर ही रहता है। तो अगर निपल रिसेंटली अंदर चला गया है और उसके चारों तरफ की स्किन कुछ थिकेंड है, या साथ में निपल से ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है, तो ये एक कैंसर का कारण हो सकता है, और इसके लिए बहुत कंसर्न होने की ज़रूरत है। जो निपल पैदाइशी अंदर है या अर्ली स्टेज में अंदर चला गया है वो यूजुअली डेंजरस नहीं है, और उसमें किसी ट्रीटमेंट की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंट कॉस्मेटिकली बहुत कॉन्शियस है तो निपल डिस्चार्ज को सर्जिकली, निपल इन्वर्जन को सर्जिकली करेक्शन किया जा सकता है, लेकिन उसमें आगे चलकर ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत आ सकती है। अगर निपल रिसेंटली इन्वर्ट हुआ है और उसमें स्किन थिकेंड है और साथ में निपल से कुछ ब्लड स्टेन डिस्चार्ज वगैरह भी है, तो ये निपल इन्वर्जन एक कैंसर का कारण हो सकता है। पेशेंट को हम लोग प्रॉपरली एग्जामिन करते हैं, प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं, जिसमें मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और मे बी एन MRI इंक्लूडेड है, और अगर उसमें कहीं भी कोई सस्पिशन है तो उसकी बायोप्सी करना चाहिए, बिकॉज कैंसर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है, पर्टिकुलरली लेटर इन लाइफ में निपल इन्वर्जन का, और उसको फिर एज ए कैंसर की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये सवाल जैसे कि हमसे पूछा जाता है कि क्या निपल इन्वर्जन जेनेटिक हो सकता है? हाँ, 10% केसेस में निपल इन्वर्जन जेनेटिक हो सकता है, बहुत से केसेस में हमें कोई कॉज नहीं मिलता। क्या निपल इन्वर्जन से ब्रेस्ट फीडिंग पे इफेक्ट पड़ता है? यस, निपल इन्वर्जन से बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत आ सकती है, पर्टिकुलरली अगर ग्रेड थ्री निपल इन्वर्जन है। ग्रेड वन या ग्रेड टू में बच्चा निपल को चूस सकता है और मिल्क फीडिंग करा सकते हैं, लेकिन ग्रेड थ्री में डेफिनेटली
बच्चे को दिक्कत आ सकती है। सो मेरा टेक होम मैसेज ये है कि अगर निपल इन्वर्जन है और पैदाइशी है तो डेंजरस नहीं है, बट यस ऑफ कोर्स ये ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, बट अगर एडल्ट एज में और ख़ास तौर से पोस्ट मेनोपॉज एज में अगर देर इज़ अ रीसेंट निपल इन्वर्जन तो उसको डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इट मे बी बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, व्हाट वी कॉल एज डक्टक्टेजिया विद इन्फेक्शन, इट कैन बी बिकॉज ऑफ मैस्टाइटिस, और कैंसर भी एक कारण हो सकता है। धन्यवाद।